नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेड न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। कोलकाता उच्च न्यायालय ने बीरभूम के रामपुर हाट हिंसा मामले पर सीबीआई जांच का किया आदेश, जिसकी रिपोर्ट 7 अप्रैल तक देरी होगी। उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि समान नागरिक संहिता के बाद उत्तराखंड में जब चुनाव था तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने एजेंडे में रखा था और जब सरकार बनी है तो हम निश्चित रूप से उस एजेंडे को पूरा करेंगे। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से होगा शुरू और यह सत्र 3 दिन तक रहेगा जारी। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, इस पर इमरान के मंत्री बोले, बागियों को ऐसा सबक सिखाओ कि नजीर बन जाए। 37 साल बाद लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार यूपी में बनने के बाद आज ताजपोशी की जाएगी। इस मौके पर राजनेता सहित कई हस्तियां भी रहेंगी मौजूद। जंग में पहली बार नाटो की एंट्री, समिट में बाइडेन बोले, रूस ने केमिकल हथियार चलाए तो जवाब यूक्रेन नहीं हम देंगे। नाटो समिट में बाइडेन बोले, G20 से रूस को बाहर करे ये उसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी से काट देगा। 1 लाख यूक्रेनी लोगों को शरण देगा अमेरिका, $1 अरब की नई फंडिंग भी जारी की जाएगी। श्रीलंका इन दिनों भुखमरी के कगार पर, बता दें यहां पर 1 किलो चीनी 290 रुपए में, 1 किलो चावल 500 रुपए में और 400 ग्राम मिल्कर पाउडर 790 रुपए में। बुलडोजर बाबा ने तोड़े कई में तक, नोएडा जाना अपशगुन माना जाता था लेकिन योगी 22 बार का एक्सप्रेस वे बनवा कर भी जीते। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में भले ही शपथ लेने जा रहे हैं लेकिन इस साक्षी पूरी यूपी के साथ ही काशी की जनता भी बनने जा रही है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण वाराणसी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में होगा। इसके लिए सूचना विभाग ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। शहर के अलावा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्यालयों पर इसके लिए बड़े LED वॉल भी लगाए गए हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं, इस लाइन के साथ ही यूपी में योगी सरकार 2.0 राज्य शुरू हो जाएगा और लखनऊ के एकानंद स्टेडियम में शाम 4 बजे योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि 49 साल के योगी प्रदेश के 38वें मुख्यमंत्री होंगे। 19 साल बाद योगी पहले ऐसे CM बनने वाले हैं जो विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। योगी से पहले 2003 में मुलायम सिंह यादव विधायक का चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने थे। पिछली बार योगी विधान परिषद से चुने गए और CM बने। गुरुवार शाम को विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को नेता चुन लिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जिन 10 लोगों को बेरहमी से हत्या की गई थी उन्हें मारने से पहले बुरी तरह पीटा गया था, फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जांच टीम को जले हुए घरों में खून के धब्बे मिले, जिससे पता चला कि उन पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया था। संकेत ये भी मिले हैं कि भीड़ ने लोगों को बेहोश होने तक पीटा और फिर उन्हें घर में बंद करके जिंदा जला दिया। घरों में आग लगाने के लिए पेट्रोल बम भी फेंके गए थे। वहीं IPL का 15वां सीजन शुरू होने में 1 दिन बाकी है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में चल रहे विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। 1.5 दशक से पुरुष क्रिकेट को IPL जैसा टूर्नामेंट देने के बावजूद भारत में महिलाओं के IPL की कोई तैयारी नहीं दिखती। देश में क्रिकेट और क्रिकेटर्स को नए मुकाम तक पहुंचाने और नए खिलाड़ियों की पौध तैयार करने में IPL की अहम भूमिका रही है। इस लीग से कई बेहतरीन खिलाड़ी उभरे जिन्होंने टीम इंडिया में जगह बनाई। विश्व क्रिकेट में भी भारतीय खिलाड़ियों को खास पहचान मिली।
पिछले करीब 5 साल से महिला खिलाड़ियों के लिए आईपीएल की मांग भी हो रही थी। हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ऐलान किया कि 2023 से विमेंस आईपीएल की शुरुआत पर विचार किया जा रहा है। वहीं खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर अब पूरी ताकत से भाजपा और कांग्रेस जीत की जुगत में लगे हुए हैं और इस बीच सियासी बयानबाजी में दोनों ही दल खुद की जीत का दावा करते नहीं थक रहे। अब कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर सियासी बयानों के तीर छोड़े हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता साबित होने वाले हैं जिनके नेतृत्व में भाजपा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाएगी। खैरागढ़ में भाजपा लगातार 4th उपचुनाव हारेगी। वहीं नगरीय निकाय में भाजपा एक भी महापौर नहीं जीता पाई। पंचायत चुनाव तक में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। अब कौन से मुद्दों के दम पर विष्णुदेव साय खैरागढ़ चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने बीरभूम हत्याकांड में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इससे ममता सरकार को झटका लगा है। सीबीआई को 7 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। इससे पहले एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी। बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड को बर्बर करार दिया था। कोर्ट में पेश किए गए सभी 20 आरोपियों का केस लड़ने से वकीलों ने इनकार कर दिया। आपको बता दें कि बीरभूम के रामपुरहाट में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद 10 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। अपनी याचिका में विष्णु गुप्ता ने कहा कि स्थानीय अधिकारी राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव के चलते इस भयानक वारदात के असली मुजरिमों को बचाने के प्रयास में लगे हैं। इससे पहले इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। पेट्रोल डीजल के दाम हफ्ते में तीसरी बार बढ़ गए हैं। शुक्रवार को तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल की कीमत 80 पैसे और डीजल की 75 पैसे बढ़ा दी है। नई दरें आज से लागू हो गई। अब दिल्ली में पेट्रोल 97.81 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की कीमत भी बढ़ गई है। वहीं अहमदाबाद में पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो पेट्रोल की जो कीमत है 97.52 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की जो कीमत है वो 91.61 रुपए प्रति लीटर है। वहीं ताजा बढ़ोतरी के बाद डीजल पेट्रोल 4 दिन में 2.40 रुपए महंगे हो चुके हैं। वहीं पूरे देश में मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए गए। मंगलवार को डीजल पेट्रोल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे लेकिन सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा देखा गया। दिल्ली में सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलो और पीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए। तेल कंपनियों ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा किया था। वहीं दामों में बढ़ोतरी के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1,000 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। वहीं अमृतसर से विधानसभा चुनाव हारने वाले पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिद्धू के खिलाफ रोडरेज मामले में आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सिद्धू का 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1,000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अब मृतक के परिवार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। उनकी मांग है कि हाई कोर्ट की तरह सिद्धू को 304 आईपीसी के तहत सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। सिद्धू ने इसके जवाब में अपने क्रिकेट और राजनीति के अच्छे करियर का हवाला देते हुए याचिका रद्द कराने की अपील की है। पंजाब में ड्रग एक बड़ा मुद्दा है। हजारों करोड़ के ड्रग कारोबार मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच में 2 बजे मामला सुनवाई के लिए आएगा। इससे पहले हाईकोर्ट में पेश की गई 2018 की एसटीएफ रिपोर्ट के आधार पर चन्नी सरकार अकाली नेता विक्रम मजीठिया को जेल भेज चुकी है। 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी शशिकांत के चिट्ठिया के आधार पर केस शुरू किया था। वही मामले में हरियाणा और चंडीगढ़ भी पक्ष है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनी है। सरकार ने चुनाव में ड्रग के मुद्दे को उठाया था। पंजाब से ड्रग की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार को अपना रोड मैप हाईकोर्ट में बताना होगा।
वहीं ड्रग के कारोबार से जुड़े अपराधियों को धर दबोचना भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण काम होगा। पिछले कई सालों से ड्रग की समस्या के चलते नौजवान अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल का बीरभूम हत्याकांड इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हत्याकांड को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में नया ही मोड़ खुलकर सामने आया है। जिन 10 लोगों को बेरहमी से जिन लोगों की हत्या कर दी गई थी उन्हें मारने से पहले उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वहीं जांच टीम को जले हुए घरों में खून के धब्बे मिले हैं, जिससे पता चला कि उन पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया। संकेत ये भी मिले हैं कि भीड़ ने लोगों को बेहोश होने तक पीटा और फिर उन्हें घर में बंद कर जिंदा जला दिया। घरों में आग लगाने के लिए पेट्रोल बम फेंके गए। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने हत्याकांड को बर्बर करार दिया है। बुधवार को कोर्ट में पेश किए गए सभी 20 आरोपियों का केस लड़ने से वकीलों ने इनकार कर दिया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए केके न्यूज के साथ।